विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो गया है। पहले चरण में लोकसभा चुनाव में आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें मुरादाबाद लोकसभा भी शामिल है। मुरादाबाद में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदेय स्थल पहुंचकर मतदान कर रहे हैं, जिसे देख इस बार ये साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए 65.39% से कहीं अधिक मतदान प्रतिशत इस बार का रहेगा। वहीं अगर मुरादाबाद के मतदाताओं की बात करें तो 20,56,514 मतदाता चुनाव मैदान में खड़े हैं। 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज मताधिकार के जरिए करेंगे। वहीं जनपद में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या भी 46,000 से ज्यादा है, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में युवा इस बार अहम भूमिका निभाएंगे। अगर मुरादाबाद सीट पर मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो मुख्य मुकाबला भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मैंने यहाँ पर मैंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैं इस अपने बूथ पर तीसरा वोटर हूँ, तीसरे वोटर के रूप में मैंने अपना मतदान किया है। मैं जनपद के जनपदवासियों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें राष्ट्रहित और राष्ट्र विकास के लिए। यही अपील करते हूँ कि अपने सभी लोगों को अपने घरों से निकल के मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। मुझे इस दिन का बहुत काफी समय से इंतजार था और मैं अपने राष्ट्रहित, राष्ट्र विकास और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट करने सबसे पहले अपने घर से निकली हूँ और पहला वोट मैंने हम दोनों पति पत्नी ने डाल दिया है। और हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे जानकारी लेते हैं। अविनाश, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? अगर मुरादाबाद की बात करें, अब तक लगभग कितने वोटर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ माहौल है, आपसे समझना चाहेंगे अविनाश। बेशक को जानना बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद में इस बार वोटरों में काफी उत्साह का माहौल है। वोटर सुबह से ही वोट करने के लिए अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि अधिकतर देखा जाता है कि जो युवा वोटर है वो देर से निकलता है, लेकिन इस बार युवा वोटर सबसे पहले निकला है और अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच कर मतदान कर रहा है। वही ये भी देखने को मिल रहा है जो बड़े उम्र के मतदाता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच कर अपने वोट कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि इस बार मतदान केंद्रों पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी प्रकार से वोटरों को असुविधा का सामना न करना पड़े। लोग बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण माहौल में अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर सबके पर पुलिस व्यवस्था मौजूद है। हर वोटर की चेकिंग की जा रही है। वोट करने वाले को ही मतदान केंद्र पर अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल जी अविनाश, आपने बताया कि युवा वोटर्स आपको काफी दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने उनसे बात की और ये समझा कि किन मुद्दों को लेकर इस बार का जो युवा है वो वोट कर रहा है? जी, जो तमाम युवा वोटर हैं जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं उनसे हमने बात की है। उनका कहना है कि हमारे मुद्दे ये हैं कि जो देश का विकास करे, जो देश की आर्थिक प्रगति करे, देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाए, जो देश की सीमाओं को मजबूत कर रहा है, हम ऐसे के लिए वोट कर रहे हैं। साथ ही वह ऐसी सरकार चुनना चाह रहे हैं कि जो देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाए और जो देश के युवा को शिक्षित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।